राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई के सिटी न्यूज। थाना मंडोरा क्षेत्र में गोवंश का मामला सामने आया, जिसमें हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता ने गोवंश ले जाते दो टेम्पुओं को पकड़ा। गोवंश की सूचना पर थाना मंडोरा ने की कार्रवाई। वीओ हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता ने गोवंश से भरे दो टेम्पो को पकड़वाया और मंडोरा क्षेत्र से घर में चल रहे गाय काटने का सिलसिला। आज प्रातः सुबह 3:30 बजे कार्यकर्ताओं की सूचना पर थाना मंडोरा के अंदर नाले के पास एक घर में 5 गाय काटने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारा छापा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता 3 टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर टेम्पो को रोक लिया गया। जिलाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने थाना लोहा मंडी में मुकदमा लिखकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वाई के सिटी न्यूज से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट आगरा से। थाना क्षेत्र में लोहा मंडी और हाथीघाट पर ऑक्सी का मामला आया था। देखिए, थाना क्षेत्र मंटोला और लोहा मंडी में आज मॉर्निंग में गौकशी की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस आने पहुँच गई थी। जो भी मांस के जो टुकड़े हैं और व्हीकल हैं उसको सीज किया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मांस का टुकड़ा है उसको फोरेंसिक के लिए भी भेजा जाएगा उसके टेस्ट करवाने के लिए, और इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। संजय जाट, प्रदेश प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा। आज हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि मंटोला के अंदर 5 गाय कटी हैं, जिसकी सूचना पर हम लोगों ने पहला ऑटो सुबह 3:30 बजे राय मंडी पर पकड़ा, जिसको लोहा मंडी थाना पुलिस को दिया। दूसरी सूचना हमें मिली कि इसका आधा जो मांस है वो हाथीघाट होता हुआ बाहर क्षेत्र में जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने टीम ने एक्टिव होकर वहाँ पर मौके पर हाथीघाट वाले टेम्पो पकड़ दिया, जहाँ पर मंटोला के अंदर एक घर के अंदर गाय कटी होने की सूचना मिली, जहाँ पर कोतवाली सीओ और छत्ता सीओ समेत कई थानों का फोर्स मौके पर आ गया और आरोपी के घर पर जाकर पूरा माल बरामद हुआ है। उसके बाद थाना लोहा मंडी हम लोग आए, लेकिन इंस्पेक्टर द्वारा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया और कहा कि मुकदमा नहीं लिखेंगे। उसको लेकर हम लोगों ने थाना लोहा मंडी पर प्रदर्शन किया और उसका जाम लगाया। जाम लगने के बाद सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर आए, तब जाकर हम लोगों ने मुकदमा लिखाया। और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि थाना लोहा मंडी इंस्पेक्टर का तुरंत तत्काल रूप से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वह लोग ही गौकशी कराते हैं, इन लोगों की वजह से हौसले बुलंद हैं। नहीं होता है लोगों के पास।